Hey there guys, welcome back to the new video and आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 7 बेस्ट फैन मेड पोकेमॉन गेम्स फॉर द गेम बॉय एडवांस एंड तुम सभी फैंस के लिए जो कि पोकेमॉन गेम्स को काफ़ी चाव से खेलते हैं उन सभी के लिए मैं कुछ 7 बेस्ट पोकेमॉन फैन मेड गेम्स बताना चाहता हूँ जो कि तुम लोगों को खेलते हुए काफ़ी मज़ा भी आएगा क्योंकि पेपर काफ़ी जल्दी खत्म होने वाले हैं एंड तुम लोगों को भी टाइम पास चाहिए तो क्यों नहीं। नंबर 7 पर हम लोग जिस पोकेमॉन गेम की बात करने वाले हैं इसका नाम है पोकेमॉन वेगा। कमिंग एट नंबर 7, अगर हम लोग इस पोकेमॉन के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो ये गेम क्रिएट किया गया था बाय अ जापानीज फैन और इसके अंदर तुम्हें न्यू पोकेमॉन, न्यू ट्रेनर्स एज वेल एज यूनिक स्टोरी लाइन देखने मिलेगी। ये गेम की सबसे अजीब बात यह है कि ये हद से ज़्यादा चैलेंजिंग है, मतलब नॉर्मल प्लेयर्स के बस की बात नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इंक्रेडिबल स्ट्रैटेजीज चाहिए किसी भी बैटल को फेस करने के लिए क्योंकि बहुत टफ गेम है, मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पोकेमॉन गेम नंबर 6, पोकेमॉन रिजोल्यूट वर्जन। एट नंबर सिक्स हम लोग इस पोकेमॉन गेम की इसलिए बात करें क्योंकि ये गेम जो है कम्प्लीटली न्यू रीजन पर अपने आप को लेता है, स्टोरी को प्रोग्रेस करता है जिसका नाम है वेंटो रीजन और इसके अंदर तुम्हें न्यू करेक्टर, न्यू पोकेमॉन एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने मिलेगी जो कि तुमको थ्रू आउट द गेम काफ़ी ज़्यादा इंगेज रखेगी। इस गेम की एक और खासियत है वो है बैटल टावर जिसके अंदर तुम बैटल कर सकते हो अगेंस्ट मोस्ट पावरफुल ट्रेनर्स और तुम उनको हरा के कुछ रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो जो कि इस गेम को थोड़ा बेहतर बनाता है बाकी सबसे। नेक्स्ट पोकेमॉन गेम की बात करें तो यार ये हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, लाइक मैं जब भी पोकेमॉन गेम के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो मैं इसको डेफिनेटली फीचर करता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको ट्राई, तो जिन्होंने नहीं किया है भाई डार्क राइजिंग तुम्हें खेलना चाहिए। दिस गेम जो है भाई कम्प्लीटली न्यू रीजन पर अपने आप को लेता है जिसका नाम है ओमनी रीजन और इसके अंदर तुम्हें न्यू पोकेमॉन, न्यू ट्रेनर्स एज वेल एज जो इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है वो ये है कि इसके अंदर तुम्हें मेगा एवोल्यूशन, डिफिकल्ट बैटल्स एज वेल एज अब बोला जाता है कि जो बंदा डार्क राइजिंग को कंप्लीट कर सकता है वो दुनिया के कोई भी पोकेमॉन गेम को ईजिली कंप्लीट कर सकता है, तो अपनी तुमको अपनी औकात देखनी है। तो ये गेम को तुम डेफिनेटली ट्राई आउट दो एंड लेट मी इन द कमेंट बॉक्स अगर तुमने खेल रखा है तो तुमको टफ लगा ना एंड डार्क राइजिंग 2 तो भाई बैंड बजा देता है। डार्क राइजिंग 3 भी है बाय द वे, इसका जिन्होंने नहीं खेला भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पोकेमॉन मेगा एडवेंचर्स, इस गेम के बारे में शायद तुमने काफी सुना होगा, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है यार। इस गेम के अंदर तुम लोग को बहुत सारे पोकेमॉन देखने मिलेंगे, ऑलमोस्ट सारे रीजन के पोकेमॉन्स तुम लोग को इसके अंदर देखने मिलेंगे, यहाँ तक कि इसके अंदर मेगा एवोल्यूशन भी है तो तुम पोकेमॉन्स को मेगा एवॉल्व भी कर सकते हो जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। गेम के जो ग्राफिक्स है तुम लोग देख सकते हो इमेज पर कुछ ऐसे देखने मिलते हैं और यार बहुत ज़्यादा सही लगता है भाई, मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा मस्त लगता है और यार गेम खेलने में भी बहुत ज़्यादा सही है। और इस गेम के अंदर तुमको एकदम नया रीजन देखने मिलेगा जिसका नाम है अकीटो रीजन, तो हाँ यार तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही होने वाला है, एकदम नए मैप में तुम यहाँ पे खेलोगे और जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है और यार सब चीज़ जिस तरह से बनाई गई है बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाई गई है, तो गेम को खेलते समय तुम्हें एक बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिलेगा और ये पूरी जर्नी करने में पोकेमॉन मेगा एडवेंचर्स की बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और बैटल्स भी इसमें एक से एक है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बैटल करने में सबसे। तो हाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया पोकेमॉन फैन मेड गेम है जिसे ज़रूर तुम्हें चेकआउट करना चाहिए। पोकेमॉन जेटा एंड ओमिक्रॉन, यार इस गेम की जो स्टोरी है ना तुमको बहुत पसंद आने वाली है, एकदम ब्रांड न्यू स्टोरी तुमको यहाँ पे देखने मिलेगी जो कि तुमने पहले पोकेमॉन गेम्स में कभी भी नहीं देखी होगी। पोकेमॉन्स तुम लोग को यहाँ पे कैंटो से लेके यूनोवा तक के देखने मिल जाएंगे और उसके आगे के भी शायद तुम्हें देखने मिल जाएंगे इसके अंदर, तो पोकेमॉन्स बहुत ऐड किए गए हैं एकदम नए कैरेक्टर्स के साथ, एकदम नई स्टोरी और भाई सब कुछ एकदम सही सही देखने मिलेगा, बहुत सारी जिम्स में तुमको हराना पड़ेगा, बहुत मज़ा आएगा, ओवरऑल बहुत ज़्यादा फन गेम रहेगा ये फैन मेड गेम, तो ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है इसको खेलने में। नंबर 5, अब नॉर्मल गेम खेलने में तो एक मज़ा आता ही है लेकिन एक हॉरर गेम खेलने में एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है, तो ये पोकेमॉन लाइफलेस पोकेमॉन का एक शॉर्ट हॉरर गेम है जिसके दो पार्ट बने हैं, पोकेमॉन लाइफलेस 1 और पोकेमॉन लाइफलेस 2, दोनों की स्टोरी बहुत ज़्यादा शानदार है और लाइफलेस 2 तो मैंने खुद भी खेल रखा है, गेम प्ले भी डाला था, तुम सबको काफ़ी पसंद आया था और 1 का भी गेम प्ले तुमने पोके स्क्वाड के चैनल पर देखा होगा शायद, तो हाँ यार ये बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम है, इसका एक्सपीरियंस तुम्हें खुद भी एक बार लेना ही चाहिए और यार जो साउंड इफेक्ट्स वगैरह इसके अंदर डाले गए हैं एकदम अकेले अंधेरे में खेलोगे तो भाई हो सकता है तुम्हें अच्छे खासे गूज़बम्प्स भी आ जाए, डर भी लगे, स्टोरी भी बहुत ज़्यादा डार्क है, तो अगर तुम्हें डार्क पोकेमॉन गेम्स खेलना पसंद है तो भाई तुम इसे ज़रूर चेकआउट करना, पोकेमॉन लाइफलेस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और भाई डर भी लगने वाला है गारंटी से। नॉर्मल पोकेमॉन गेम्स खेल के थोड़े बोर हो गए हैं तो ये गेम तुम्हारे लिए, ये कुछ हटके है, पोकेमॉन इन्फिनाइट फ्यूजन, जैसा इसका नाम है तुम इस गेम के अंदर एक्चुअली में वही कर सकते हो, तुम इसको बैटल के अंदर दो पोकेमॉन्स को फ्यूज कर सकते हो, उनका फ्यूजन बना सकते हो, वीनस टॉयज सबको याद होगा एनिमे वाला, वैसा वीनस टॉयज तुम एक्चुअली इसके अंदर बना सकते हो अगर तुम्हारे पास एक ब्लास्ट टॉयज और वीनस और है तो तुम फ्यूज कर सकते हो, तो यार इतनी सारी इसमें पॉसिबिलिटी रहेंगी तुम्हारे पास, इतने सारे अलग अलग पोकेमॉन फ्यूज कर सकते हो तुम, एकदम इन्फिनाइट फ्यूजन बना सकते हो अलग अलग पोकेमॉन्स के, तो यार बहुत ज़्यादा तुमको मज़ा आएगा ऐसे नए नए पोकेमॉन से बैटल करने में, भाई अलग ही मज़ा आएगा फ्यूजन वाले पोकेमॉन से, और यहाँ तक कि जो एक्चुअल एनिमे वाले ट्रेनर्स हैं काफ़ी जेमिनर्स हैं वो भी तुमको इस गेम के अंदर देखने मिल जाएंगे, उनसे तुम बात कर सकते हो, लड़ सकते हो।
ओवरऑल यार गेम बहुत ज्यादा फन है हर तरीके से, तुमको रीजन भी बहुत मस्त देखने मिलेगा, ट्रैवल करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन हाँ मेन जो हाईलाइट है गेम की वो यही रहेगा, तुम यहाँ पे फ्यूज कर सकते हो पोकेमॉन को। तो हाँ अगर तुम्हें मजा आता है ऐसा सब करने में तो भाई ये वाला गेम चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट पोकेमॉन गेम की बात करें तो इसका नाम है पोकेमॉन साइना, ठीक है, एट नंबर। तो देखो यार इसकी जो खासियत है वो ये है कि एक न्यू रीजन है वोल्टान रीजन, जिसके अंदर तुम्हें ऐश ऐसा मेन कैरेक्टर देखने मिलता है, जिसके अंदर तुम्हें इंक्लूडिंग ऑल दोज न्यू पोकेमॉन न्यू इवेंट्स और एक न्यू यूनिक स्टोरी देखने मिलती है। एंड मैं यूनिक बोल रहा हूँ देन इट मीन्स यूनिक, ठीक है, क्योंकि जो मैंने अभी तक जितने भी पोकेमॉन गेम बताया ना उस सब के अंदर एक ऐसी स्टोरी है जो कि तुमको कहीं ना कहीं सिमिलर लगेगी बाकी सबसे। बट जब तुम पोकेमॉन साइना खेलोगी इसकी स्टोरी तुमने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी एंड तुम लोग इस स्टोरी के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, मतलब तुम्हें रेडी रखना पड़ेगा अपना माइंडसेट इस गेम के लिए। इस माइंडसेट इस गेम को खेलने के लिए जो माइंडसेट चाहिए हो भाई वो बहुत लोग के पास नहीं है एंड अच्छे तरीके से बैंड बजाता है गेम, ठीक है। मैंने तो भाई छोड़ दिया था ऐसे ही होता है भाई, जो मेरे पास की नहीं होती मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट पोकेमॉन गेम की बात करें तो पोकेमॉन डार्क वॉलेट, फाइनली अगर इस गेम की बात करें तो यार ये गेम एक्चुअली में रीमेक है पोकेमॉन रेड की एंड एश की जर्नी को इसके अंदर दिखाया जाता है कांटो रीजन के अंदर। इसके तुम्हें सारे न्यू इवेंट्स फीचर एज वेल एज पोकेमॉन एंड ट्रेनर्स के साथ तुम्हें बैटल करने मिलेगा, सारे मतलब सारे ट्रेनर्स, समझ रहे हो, हर एक पोकेमॉन इंडिगो लीग गेम। अब यार देखो पोकेमॉन फ्रेंचाइज और पोकेमॉन के गेम्स वगैरह को पॉपुलर करने में पोकेमॉन के एनिमे का एक बहुत बड़ा हाथ है, तो यार वही एनिमे पे बेस्ड करके जो पोकेमॉन का फर्स्ट सीजन है इंडिगो लीग वाला उसी पे बेस्ड करके गेम बनाया गया, यानी कि वो जो एनिमे की स्टोरी है तुम इस गेम के अंदर खेल सकते हो। अब तुम लोग सोचोगे पोकेमॉन एश ग्रे भी तो कुछ सिमिलर ही था ना, तो हाँ ये उसी से जैसा है लेकिन ग्राफिक्स वगैरह में और ज्यादा बेटर है, तुमको ज्यादा मजा इस वाले को खेलने में आएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो यार बहुत ज्यादा सही इसके ग्राफिक्स लगते हैं तो तुम देखोगे तो बहुत मजा आएगा और ओवरऑल गेम बहुत ज्यादा फन है, तुम्हें सेम वहां पे वो वाली स्टोरी देखने मिल जाएगी, तो हाँ इसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें एश वाली स्टोरी एकदम कुछ मस्त से ग्राफिक के साथ में खेलना है जो यूनोवा वाले ग्राफिक्स। नाइन पोकेमॉन रीबॉर्न, यार ये इतना एक अलग लेवल का गेम है ना, सीरियसली तुम खेलोगे ना तुम्हें लगेगा कि यार ऐसा गेम तो भाई ऑफिशियल वाले ही बना सकते हैं, इतना नेक्स्ट लेवल गेम कैसे किसी ने बनाया है, बहुत ही गजब स्टोरी लाइन है, एकदम ही तुमको ओरिजिनल गेम देखने मिलेगा, कुछ भी चीज कहीं से मॉड वॉड करके नहीं बनाया गया कि रीजन किसी और ओरिजिनल गेम का ले लिया हो, सब कुछ इसमें एकदम ओरिजिनल है, यहाँ तक कि पोकेमॉन्स भी इसके खुद के ओरिजिनल है यानी कि फेकोमॉन्स है इसके अंदर। तो यार ओवरऑल गेम एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस तुमको देता है और जो मेन कैरेक्टर है यानी कि जो तुम जिससे खेलने वाले हो वो भी बहुत ज्यादा गजब है, तुमको बहुत मजा आने वाला है इस गेम को खेलने में, तुम्हें ये वाला जरूर चेकआउट करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट फैन मेड पोकेमॉन गेम है। नंबर 10 पोकेमॉन जिम लीडर सिमुलेटर। अब देखो यार नॉर्मली ट्रेनर बनके तो सबने इतने बार खेला ही होगा लेकिन जिम लीडर बनके तुमने कभी कोई गेम खेला है पोकेमॉन का? नहीं यार, ये ऐसा एकदम यूनिक गेम है जिसके अंदर तुम ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हो जिम लीडर बनने का एक्सपीरियंस, तुम यहाँ पे जिम लीडर बनके खेल सकते हो, अपनी जिम को यहाँ तक कि डेकोरेट भी कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी जिम थोड़े अलग लगे सारी जिम से, तो और मतलब शॉप वगैरह से तुम लोग यहाँ पे डेकोरेशन कर सकते हो अपनी जिम का, और यार तुमको 120 अलग अलग चैलेंजर्स मिलते हैं लड़ने के लिए, तो तुम्हें हर एक बैटल में इतना मजा आएगा, इतना अलग फील होगा और बहुत ज्यादा गजब मजा आने वाला है। तो अगर तुम्हें मन है भाई पोकेमॉन ट्रेनर ना बनके पोकेमॉन जिम लीडर बनने का तो तुम ये गेम चेकआउट कर सकते हो, एक जिम लीडर बनो और भाई मारो सबको, ट्राई आउट कर सकते हो, ये कुछ पोकेमॉन गेम्स है जो कि मैंने तुम्हें बताया एंड खेलते वक्त तुम्हें काफी मजा आएगा इसकी गारंटी मेरी है एंड छुट्टी पड़े तो डेफिनेटली ट्राई देना। खैर आज की वीडियो बस इतना ही, लव यू ऑल, सी नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन लाइक मी इन द कमेंट बॉक्स अगर तुमने इनमें से कुछ गेम्स खेल रखे हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, बाय द वे इस चैनल के अंदर पोकेमॉन रिलेटेड बातें करते रहते हैं, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।